So what's up guys, Pranav back with another video. So guys, इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा, रिव्यू तो नहीं, अपने ओपिनियंस और कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स बताऊँगा Nokia 2 के बारे में. So without any further ado, let's get started. गाइस, नोकिया हमारे लिए एक नया फ़ोन लेके आया जिसका नाम है नोकिया 2. तो ज़्यादा कुछ टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पहले इसकी फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपने ओपिनियंस और आपको ये लेना चाहिए, ये फ़ोन आपके लिए है कि नहीं, तो वो सारी बात कर लेते हैं. तो पहले मैं इसमें आपको सारे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन आपको इसमें आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले ये आपको 4G LTE इसमें आपको देखने को मिल जाएगा. उसके बाद ये क्या कहते हैं, आपको 2018 में ये आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा. अभी तो शायद जनवरी में ये लॉन्च हो, क्योंकि पहले भी जैसे जनवरी में उन्होंने लॉन्च किया था, मिले पता नहीं कब जाके थे, अब जाके वो 7, 8, 6 जो भी है वो अब जाके आए नोकिया के. तो ये HMD है जिसने नोकिया का आगे जो फ़ोन निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ओवरटेक कर लिया नोकिया. तो अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं नोकिया 2 की. तो इसमें आपको 5 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी नोकिया की, और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है. उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं इसमें आपको एंड्रॉयड कौन सा मिलेगा. तो इसमें 7.1.1 नोगट मिलेगा. ओरियो का अपडेट इसमें देंगे, जैसे कि ये कन्फर्म कर रही है कंपनी HMD नोकिया के, वो ओरियो का अपडेट आगे इसमें दे सकते हैं. तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसमें आपको स्नैपड्रैगन का कौन सा प्रोसेसर मिलेगा. तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 212 आपको दे रहे हैं, जो कि 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है. 2015 में जून जुलाई में ये प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है. 212 स्नैपड्रैगन 212, ये काफ़ी पुराना प्रोसेसर है जो अभी ये हमें इस फ़ोन में दे रहे हैं. तो अब इसकी रैम की बात कर लेते हैं. इसमें 1 GB की आपको रैम देखने को मिल जाएगी, और 8 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज इसमें आपको देखने को मिल जाएगी. उसमें से आपको मेरे ख्याल से ये 3, 3.5 या 4 GB के आसपास आपको यूज़ करने को मिल जाएगी इसकी स्टोरेज. तो उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं इसका कैमरा कैसा है. तो जो बैक कैमरा है वो आपको 8 MP का देखने को मिल जाएगा, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो आपको 5 MP का देखने को मिल जाएगा. चलो अब आगे बात कर लेते हैं. तो मेन इन्होंने फोकस किया स्क्रीन और बैटरी. तो जो बैटरी है इसकी वो आपको देखने को मिल जाएगी 4100 mAh की, इसका आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि लाइन बैटरी है, ठीक है. उसके बाद इसमें आपको ब्लैक वो जो भी कलर है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है. अब इसमें आपको सेंसर्स के नाम पे आपको क्या दे रहे हैं, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, उसके बाद कंपास, 3 सेंसर बस, ठीक है. ये कुछ फीचर्स हैं इसकी. बाकी वाईफाई वगैरह आपको इसमें पहले से जैसे बाकी के फ़ोन में मिल जाता है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा. ये थोड़ी बहुत फीचर्स है इसकी. उसके बाद इसमें आपको एंड्रीनो का 304 देखने को मिल जाएगा, ठीक है. और इसमें आप SD कार्ड लगा के एक्सपेंड कर सकते हो इसकी स्टोरेज को. 2 SIM डलेंगे, ड्यूल सिम है, दोनों नैनो सिम इसमें डलेंगे आपको. तो चलो अब ये हो गई स्पेसिफिकेशन सारी. अब बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन के लिए, ये फ़ोन आपके लिए है कि नहीं, आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं. मेरे हिसाब से देखना भी नहीं चाहिए ऐसे फ़ोन के ऊपर, क्योंकि ये देखो 7.1.1 नोगट इसमें आपको दे रहे हैं, ठीक है. उसके बाद 8 GB की स्टोरेज दे रहे हैं. उसके बाद इसमें आपको 3.5 या 3 GB की मुश्किल से मिलेगी. उसके बाद ओरियो का अपडेट भी दे रहे हैं, फ़ोन फाड़ देंगे, ये ब्लास्ट हो जाएगा ऐसा अपडेट देंगे. क्या फ़ोन है ये फिर, Redmi 4 है बेकार है इससे. फिर 13 MP का उसका बैक कैमरा, 8 MP का उसका फ्रंट फेसिंग कैमरा, 8 या 5 MP के अराउंड, ठीक है. बैटरी में थोड़ा नीचे है वो, 3000 या कुछ ऐसा ही कुछ थोड़ी नीचे होगी इससे, ठीक है. और उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसर देते हैं इसके हिसाब से, प्रॉक्सिमिटी वगैरह वो सारे. अब इंडिया में आके ठोक के प्राइस लगाएंगे, इंडिया में आएगा ठोक के प्राइस लगाएंगे. यूरो में बता रहे हैं
इंडियन आई एन आर से मतलब 99 यूरो का बता रहे हैं, तो इंडिया में आते आते 7,500 के करीब इसकी प्राइस बन रही है। तो अगर उस पर भी इन्होंने ठोक के प्राइस लगा दिया तो कितने आ गया, 8-9 के करीब आ जाएगा। तो लेनोवो K8 बुरा है, फिर K8 नोट बुरा है, K8 पावर बुरा है, पागल है लोग जो ऐसे फ़ोन खरीदेंगे। नोकिया बस नाम है, पीछे HMD ऐसे धक्के से फ़ोन चलाएगा, ऐसे तो फ़ोन नहीं चलेगा। 3 सेंसर नाम के दे रहे हैं, कुछ ढंग का नहीं है, फ़ोन फाड़ देंगे और योग अपडेट आ जाएगा तो कुछ नहीं देंगे इसमें। प्रोसेसर के नाम पे क्या दे रहे हैं, 212 स्नैपड्रैगन, 1.5 साल पुराना प्रोसेसर दे रहे हैं, उसमें भी कुछ ढंग से नहीं चलेगा, ओवरहीट हो जाएगा मेरे हिसाब से तो पूरा ओवरहीट होगा। इतना इन्होंने पुराना वो प्रोसेसर दिया है इसमें, जो लॉन्च डेट मैंने पूरा इसको डिटेल में देख के फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 28 जुलाई 2015 को ये प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, मतलब 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है। इतना पुराना प्रोसेसर इसमें हमको दे रहे हैं, ठीक है, 7,500 के करीब, अगर इन्होंने 7,500 के करीब लॉन्च भी कर दिया भाई क्यों ले रहे हो, इससे कम में तो 6,000-6,500 के करीब ही आपको रेडमी 4A मिल जाता है। मेरे हिसाब से तो ये जनवरी में आएगा भाई, मत ही लेना तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एप्पल और सैमसंग का कॉम्पिटिशन तो चलता रहता है, तो ये बीच में क्या करेगा आके, नहीं ऐसे फ़ोन तो बनने नहीं चाहिए मार्केट में। क्या है क्या इसमें पहले मेरे को ये बताओ, दो प्रोसेसर है, बैटरी को छोड़ के कुछ भी नहीं है इसमें। स्क्रीन प्रोटेक्शन का करेगा इन्हें, करेगा क्या, जब स्क्रीन प्रोटेक्शन का करना ही क्या, जब प्रोसेसर ठीक से नहीं चलेगा, हैंग होता रहेगा फ़ोन, कह रहे 2 दिन, एक बार ही चार्ज कर लो 2 दिन चल जाएगा, भाई 2 दिन चला के करना क्या ऐसा फ़ोन, क्या करेंगे 2 दिन चला के जब सब कुछ हैंग होता रहेगा। इतना गंदा स्नैपड्रैगन दे रहे, इतना गंदा कैमरा दे रहे, रेडमी 4A बुरा नहीं है वैसे, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो, 6,500 के करीब मेरे ख्याल से प्राइस होगी उसकी अभी तक, वो काफ़ी अच्छा है इससे, तो मैं तो प्रेफर वही करूँगा या फिर थोड़े से और पैसे डाल के 10,000 के करीब, 10,500 के करीब लेनोवो K8 आता है वो ज़्यादा अच्छा है इससे, मैं ज़्यादा प्रेफर वही करूँगा, मेरे को भी ज़्यादा वही पसंद है इस रेंज में, तो काफ़ी अच्छा है वो। और अगर और वेट कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर आते हैं इससे, प्रोसेसर के फ़ोन इससे बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, लुक में, लुक ठीक है इसकी, लुक में नो डाउट, प्रोसेसर घटिया, इंटरनल जो सब कुछ डाला वो सब घटिया, बैटरी स्क्रीन इसको छोड़ के कुछ नहीं, कैमरा तो घटिया इसका भाई, तुम 2-3 सेंसर और, चलो फिंगरप्रिंट नहीं मानते, फिंगरप्रिंट नहीं मानते इस प्राइस में, चलो 2-3 कुछ और दे देता है इसमें, जायरोस्कोप सेंसर भी नहीं है इसमें, करेगा क्या ऐसे फ़ोन का बंदा, चाहते क्या है ये, मतलब हम ऐसे फ़ोन अब खरीदें इनके, इंडिया वालों को पागल समझते, इधर लॉन्च कर देंगे तो हम जाके खरीद लेंगे पागलों की तरह, तो हमें ऐसी कंपनीज को बायकॉट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना चल सकती है और ना आगे, इसको सोचो माइक्रोमैक्स जैसा ही इसका हाल हो जाएगा, कॉपी करके छाप देंगे आगे फिर ये, तो मैं तो कहता हूँ ऐसी कंपनीज को बायकॉट ही करो और ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा, क्या पता और ये अपडेट है सही में फट जाए, किसी ने लिया फट जाए पहले न्यूज़ आएगी ये, मैं तो पक्का कह रहा हूँ ये फटेगा किसी ना किसी से, ब्लास्ट का मेन चक्कर होगा मेरे को तो लग रहा है। 212 में क्या भाई, 1.5 साल पुराना प्रोसेसर, कुछ तो अच्छा दे देते, 400 कुछ दे देते, कुछ कुछ ऐसा कुछ डाल देते जिससे हमें सेटिस्फेक्शन होती, फ़ोन में कुछ है, जब है ही नहीं तो लेने का क्या फ़ायदा, 7,500 हमारे तो ऐसे लगता है कुएं में फेंक दिए हमने, कुछ भी नहीं दे रहे इसे, करना क्या ऐसे फ़ोन का हमने, फिर छोड़ो ऐसा फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं, इससे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मोटो के फ़ोन, ये लेनोवो, लेनोवो मोटो एक ही है ठीक है, क्योंकि लेनोवो ने तो उनके फ़ोन लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे फ़ोन में कुछ नहीं रखा है, तो ऐसे फ़ोन का मेरे को रिव्यू या ओपिनियन देना भी ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं करता हूँ मैं, बस। सो गाइस बस यही थी, सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से एक बिग थम्स अप दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट कीजिए आपको इस फ़ोन के बारे में क्या नहीं पसंद, क्या पसंद है,
और अगर तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जाके, क्योंकि ऐसी और वीडियोस इस चैनल पे और आने वाली हैं. तो डू सब्सक्राइब द चैनल. सो थैंक्स गाइस, थैंक्स. इट्स प्रणव एंड आई एम साइनिंग आउट. Mais avant tout, faut bouger la tête.